हमें बहुत अच्छा है। हम तो सोच रहे हैं बात जल्दी से चाहे जो लिवा जाए। पूनम कुमारी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों। तो अभी याद दे सकते हैं जिस साड़ी में हमारी शादी हुई थी वही साड़ी पहने हुए हैं। कैसे लग रहे हैं आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। अभी आए थे छत पे कपड़ा उतारने और ये देख सकते हैं गेहूँ फैलाया हुआ है तो वही गेहूँ फैलाने आए थे दोस्तों। तो आज क्या बताएं जो है दोस्तों, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि आपका बेबी कब होगा। तो बहुत दिन से एक कमेंट हम देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, हमारे मोनू जी भी देख रहे हैं दोस्तों। तो हम लोग पहले मतलब देखते थे तो ऐसे देख के रह जाते थे। तो अभी आज भी एक वीडियो पड़ा उसमें भी कमेंट आया कि मोनू जी अब आप अपने मम्मी पापा को एक बेटा दे दीजिए। तो हम लोग देखे तो बहुत ज़्यादा खुश हुए हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं, मम्मी से पूछते हैं कि मम्मी को चाहिए कि नहीं चाहिए, और चलते हैं अपनी सासू माँ से आप लोगों को मिलवाते हैं। अभी तो यहीं थी लेकिन चली गई हैं नीचे दोस्तों, आप लोग से चलिए मिलवाते हैं। आज हम आप लोगों को अपना घर भी दिखा देते हैं, देख सकते हैं छत पर से नीचे आ चुके हैं और दूसरे तल्ले पे आ चुके हैं दोस्तों। चलिए आप लोग को ये भी दूसरा तल्ला दिखा देते हैं, अच्छे से दिखाते हैं दोस्तों। इधर देख सकते हैं इस वाले कमरे में भूसा भरा दोस्तों, इसीलिए कमरा अंधेरे में है जो कि खुला है, दीदी और नीचे हैं। और इधर हमारे हस्बैंड जी हैं दोस्तों, देख सकते हैं बात कर रहे हैं। ये रहा मशीन हमारी जो ननद है बड़ी वाली, वो सिलाई उलाई करती हैं। हमारे सैया जी, तो दोस्तों आप लोग को बताना कि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि आप अपने मम्मी पापा को एक बच्चा दे दीजिए, और आज भी कमेंट आया था। हम लोग देखे थे दे, इनसे बोले कि प्लान कर ही लीजिए जल्दी से, एक बेबी भी हो जाए। तो जो है आपका क्या मन है, क्या मन क्या अभी मम्मी पापा से पूछते हैं वही हम भी बोले हैं कि एक बार मम्मी से भी पूछ लेते हैं कि मम्मी को जो अभी मतलब बच्चा चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि अभी दोस्तों काफी सपना है। लेकिन बहुत सारा कमेंट भी आ रहा है तो हम लोग सोचे चलिए एक बार अपनी सासू माँ से पूछ लेते हैं, मतलब हमारे मोनू जी की मम्मी से। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, चलते हैं मम्मी के पास नीचे। दोस्तों तो आ चुके हैं एकदम नीचे। ये दोस्तों रहा हमारा किचन जो कि देख सकते हैं खाना पीना बन चुका है। तो देख सकते हैं यहाँ मेरी मम्मी बैठी हुई हैं। अब इन्हीं से पूछते हैं कि मम्मी को पोता चाहिए कि अभी नहीं चाहिए। हाँ मम्मी नहीं, एक तो दे दे ओकरे बाद अपन काम धाम करावा। अच्छा हमें पोता चाहिए दोस्तों, तो मम्मी को भी बच्चा चाहिए लगता है दोस्तों। ऐसे असल में बताए मम्मी हमारी बहुत दिन से कह रही थी हमें एक पोता चाहिए। अच्छा अच्छा चलिए। तो दोस्तों मम्मी का राय जो है, आप लोगों को बता दे आज मम्मी कहाँ जाने वाली हैं। आज बेड देखने के लिए जाया जा रहा है हम मम्मी और मेरी पूनम। और किसके लिए बेड है मम्मी? अच्छा मतलब चलिए दोस्तों बस ऐसे बने रहे जा रहे हैं, बेड देखते हैं जो अच्छा होगा उसको लिया जाएगा। हम बहुत ज़्यादा खुश है कि मम्मी हमारे लिए बेड देख रही हैं। तो चलिए पहले दुकान चलते हैं, देखते हैं कौन सा लेना है। तो देख सकते हैं यहाँ सोफे की दुकान पे आ चुके हैं मम्मी और हमारे मम्मू जी। बेड देख रहे हैं, देखते हैं कौन सा लेना है। बैग कैमरा आप लोग को भी दिखा देते हैं दोस्तों। इधर एक बेड है, कौन वाला पसंद मम्मा? लेकिन ये तो बहुत चौड़ा और अच्छा लाता ना लला, ये पे चाह जाए थी लड़की बच्चे खेला कूद। वो तो एक लाइट वाला बेड है। एक दोस्तों दा देख सकते हैं लाइट वाला बेड जो कि बहुत अच्छा लग रहा है, उसका वो भी अच्छा लग रहा है। हाँ जन जन मिला वो लाइट वाला है दोस्तों। तो मम्मी वही वाला बेड पसंद कर रही हैं हम लोगों के लिए। अब चलते हैं देखते हैं दोस्तों। हमारे जो है बाबू जी जो मनु के हमारे पिताजी हैं यही वाला दोस्तों बेड पसंद किए हैं वाला। चलिए जो भी हो हमको जो भी मिल जाएगा हम इसमें खुश रहेंगे दोस्तों। आप अपने हिसाब से लगा, आप तो सोच रहे बात जल्दी से चाहे जो लिवा जाए दोस्तों। अभी यहाँ पे मतलब तमाम हो रहा है, अभी देखते हैं कौन सा पसंद आता है। हमारी सासू माँ क्या बोल रही है आप लोग को देख ही लिए, और आप लोग क्या कह रहे हैं आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अब हमको बेबी करना चाहिए कि नहीं। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।